क्रेडिट कार्ड एटीएम मोबाइल लैपटॉप सगळा दे आम्हाला काळे कारवा तुला मराठी येतं अच्छा गो दोस्तों नमस्कार ओले आले मूवी का ट्रेलर आ चुका है। ये मूवी 5 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में आपको दिखाई देगी और ये एक मराठी मूवी है और मराठी में ही इसका ट्रेलर आया है। तो पहले हम ट्रेलर तुम्ही खाण्यासाठी जगताय मी जगण्यासाठी ओके बाय अरे छातीत काय येतात रे ऍटॅकच रे ए आधी बाबूराव यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा वांगा झाली ऍक्टिंग तुमची तू जो असाय सरकलेला हात टाका साईडला लोटा जरा मी रिटायर्ड लाईफ छान मस्त जगतोय आणि अरे खूप काम करतात 27 वर्षाचा घोडा झालाय अजूनही गर्लफ्रेंड नाहीये भूगोलाच्या पुस्तकात जेवढे देश शिकलोय ना त्या प्रत्येक देशात मला माझं ऑफिस हवं पैसा कमावणं आणि तो योग्य रीतीने खर्च करणं या दोन्ही कला मिळून आयुष्य बनतं झालं तुमचं जोपर्यंत तुझं पूर्णपणे जगणं सुरू होत नाही तोपर्यंत माझं काही होणार नाही असं बाहेर काय करतोय साहेब बाबा गेले माझे बाबा पळून घर सोडून जात आहे मला शोधण्याचा प्रयत्न करू नको तू जा बाबा दोन हात कशाला दिलेत काम करायला हात जोडले ना की काम आपोआप होतात हे असे जोडायचे आणि पाया पडायचे किमान छाजी शिकरे कोण बर्फाचा डोंगर बघ हे कुठेतरी काही होते त्याच्यात अशी घुसवतो मनू सर्वत मारून असं चोकून खाऊन टाकतो रे मुली छकुली आंटी बाकरबडी कुणाची आहेस तुमच्याकडे फक्त अट एकच प्रॉब्लेम दुसऱ्याचा असला पाहिजे प्रेमात बिमात पडलंस का माझ्या असं कुठल्या अनोळखी माणसाच्या प्रेमात पडायला मी काही संकेत नाही खरे संकेत अनोळखी माणसं एकमेकांच्या प्रेमात पडतात आयुष्य म्हणजे काय आहे रे आपण किती जगलो त्याच्यापेक्षा कसे जगलो हे महत्वाचं आहे आओ पिओ मजा ध्वनी आणि मांडीवरचा ऑफिस देऊ नको नाही तर लागेल आपली काय क्रेडिट कार्ड एटीएम मोबाईल लॅपटॉप सगळा द्या आम्हाला काळे कारवा तुला मराठी येत अच्छा गो तू जायचा आले जो मूवी है ना ये मूवी का नाम भी है ओले आले एक गाना भी आया है जिसमें आपको सिद्धार्थ सियाली देखने को मिलेगी ओले आले का टीचर बहुत अच्छा टीचर था ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा इसमें केवल बेटे और पिता का प्यार दिखाया गया नाना पाटेकर तेंदुलकर के पिता बने होते हैं और वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं और उनका बेटा सिर्फ बिजनेस और पैसा इसी के लिए बना है कि बिजनेस और पैसे में ये इतना मस्त होता है ना कि वो उनकी बात नहीं सुनते और वो फिर बहाना करते कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है नाना पाटेकर बहुत अच्छी एक्टिंग की नाना पाटेकर ने कि बहाना करते कि मुझे दर्द हो रहा है तो फिर वो कहते हैं कि उनको अस्पताल में पहुंचा देना तो वो कहते हैं एक्टिंग नहीं अच्छी की थी सियाली संजीव वो उनको केदारनाथ में मिलती है जब वो केदारनाथ चले जाते हैं वो शायद अपने पापा को नाना पाटेकर को अकेले केदारनाथ भेज देते हैं फिर कुछ ऐसा होता है कि उनको भी साथ में जाना पड़ता है और फिर वो लेडी होती है केदारनाथ में तो वो कहती है अरे आंटी उठ जाइए तो देखती हुए एक लड़की है और फिर सिद्धार्थ को सियाली से प्यार हो जाता है ऐसा इसमें दिखाया जा रहा था कि वो गिटार बजा मतलब पहाड़ी वेशभूषा भी थी तो फिर इसमें दिखाया जाता है मूवी में ट्रेलर में दिखाया गया कि उनको कोई पकड़ लेता है वो कहता है एटीएम कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर सब कुछ और लैपटॉप सब कुछ चाहिए पर वो मराठी में बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम भी मराठी हो और वो इनके ऊपर बंदूक डाले होते हैं तो ये जो ट्रेलर था ना बहुत हंसी वाला ट्रेलर था भावनाओं से भरा हुआ ट्रेलर था वो भी 5 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी ये ट्रेलर मराठी में था मराठी में ही मूवी आएगी पर मूवी बहुत अच्छी होगी एक तो रिश्तों को जोड़ने वाली मूवी होगी इसमें एक उनकी माँ नहीं होती क्योंकि इसमें ट्रेलर में कहीं नहीं दिखाया गया
ये उनकी माँ होती है। पिता और एक बेटे का संबंध बहुत मजबूती से दिखाया गया। वो कहते हैं खाओ पियो मजा करो। नाना पाटेकर कहते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं और अपने बेटे को ऐसा नहीं कि तुम कमाते रहो ऐसा भी कहते हैं ना, कमाने के साथ में घूमना भी सीखो, मतलब रिश्तों को संभाल के रखो। इसमें रिश्तों के बारे में, रिश्तों को संभालने के बारे में ये सब कुछ ट्रेलर में दिखाया गया, मूवी में तो पूरी दिखाई जाएगी। और पहाड़ दिखाए गए इसमें उत्तराखंड के, कि वो पहाड़ी इलाका होता है, वो कहते देखो बर्फ है। इसमें एक बार केदारनाथ जी का मंदिर भी दिखाया गया, बहुत सारी भीड़ होती है क्योंकि शायद उन्होंने उनका टिकट काट के दिया था, मतलब बेटे ने अपने पिता का टिकट काटा था केदारनाथ जाने का, पर वो उनको भी साथ में लेके जाते हैं। फिर दोनों लोग जाते हैं तब उनको सियाली संजीव मिलती है वहां पे। तो सारी कहानी हमें ट्रेलर में देखने, ओले आले मूवी में जो नाना पाटेकर ने एक्टिंग की है ना, एक पिता बनने की एक बाप बनने की, बहुत धमाकेदार और बहुत मस्त एक्टिंग की है। वो एक्टिंग इस तरह इसलिए करते हैं ताकि उनके बेटे का उनका बेटा उनके साथ रहे। एक्टिंग करने का ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान करना चाहते हैं अपने बेटे। एक्टिंग करने का मतलब वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास रहे, खुश रहे, बातें करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और बेटा होता ना तो उसको काम भी तो करना होता ना घर चलाने के लिए, और बेटा थोड़ा सीरियस होता। और इसमें नाना पाटेकर ना बहुत मजाकिया दिखाए गए, एक पिता के रूप में बहुत मजाकिया और एक बहुत जिम्मेदार आदमी दिखाए गए। बाकी तो हमें ट्रेलर में देखने के, मूवी में देखने के बाद पता चलेगा कि उनके जो तमंचा लगाए होता है वो उनको छोड़ता है या उन्हीं की खुद सोची समझी एक साजिश होती है ताकि वो अपने बेटे के साथ में और टाइम स्पेंड कर सके। तो ये ट्रेलर बहुत दमदार था, धमाकेदार था, हंसी से तो इतना भरा हुआ था ना। और कहीं कहीं ना एक बेटे का और एक बाप का प्यार देख के भी इमोशनल होने का मन कर रहा था, कि मतलब ट्रेलर देख के थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो गए थे क्योंकि ये इमोशनल भी है। ये कहानी हमें मूवी भी देखने के बाद में पता चलेगी कि ये मूवी कितनी अच्छी होगी। ओले आले का जो ट्रेलर था ना बहुत हंसी वाला था, हंसी वाला भी था और सस्पेंस से भी भरा था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें मार धाड़ चल रही हो, गोली चल रही हो, लास्ट में बंदूक भी लगाए हैं ना उसके यहाँ पे, पिस्तौल लगाए हैं नाना पाटेकर ने, फिर भी उनको हंसी आ रही थी और वो हंसी वाली बातें कर रहे थे। तो इसलिए ये ट्रेलर बहुत अच्छा था, मूवी भी बहुत अच्छी होगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिएक्शन वाले को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। नमस्कार।